दोस्तों, तो सुबह के बज गए हैं 6:30 और हम चल दिए हैं राइड के लिए। तो गाड़ी सेट है, देखिए आप, गाड़ी एकदम रेडी है। तो मैं और साहू जा रहे हैं। हाय गाइस, तो हम निकलेंगे अभी राजगीर के लिए। यहाँ से 300 किलोमीटर का राइड है। तो कहाँ होके जाएंगे आपको तो पता ही है, गया होके जाएंगे, तो उधर घूमेंगे। तो मैं मिलता हूँ अभी बैक पे, ऑल सेट। तो चलते हैं भगवान का नाम लेके। जय महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, 4 दिन का छुट्टी हो रहा था तो सोचा घूम के आए। तो प्लान बना पहले नेपाल का। नेपाल में हो रही है बारिश, लैंडस्लाइड हो रहा है बहुत, तो उधर का प्लान कैंसिल किया। सोचा कहाँ जाएंगे, तो फिर सोचा कि राजगीर चलते हैं। राजगीर भी काफ़ी अच्छी जगह है, सामने कोलकाता हाईवे। तो इधर से हम लेफ्ट ले लेंगे और सीधा पहुँचेंगे हम गया। गया से फिर राजगीर है, कुछ तो 60 किलोमीटर है लगभग। तो ये सीधा रास्ता है, लेफ्ट जाएंगे। लेफ्ट भी काफ़ी है, हुमस भी है, ह्यूमिडिटी, और जैसे देख रहा आप सूरज देवता भी निकल चुके हैं। तो मौसम थोड़ा आज कड़क है। अभी हमारे दो दोस्त, दो राइडर, अनीस और शिवेंद्र, वो 8 बजे निकलेंगे, क्योंकि अनीस का नाइट ड्यूटी था। तो मिलते फिर हाईवे पर। तो हमने अभी बिहार बॉर्डर के अंदर एंट्री कर ली है। तो कैसे पता चला मुझे, क्योंकि उधर बोर्ड लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था, बिहार में शराब प्रतिबंधित है। तो समझ गया मैं। और वैसे दोस्तों, ये तो मजाक की बात है, अभी हमने बिहार बॉर्डर में एंट्री कर ली है और ये सीधा हाईवे है, कोलकाता हाईवे, जो हमें लेके जाएगा गया तक, और सासाराम होते हुए जाएंगे। रोड ठीक ठाक है, बीच बीच में डाइवर्जन है, काम चल रहा है हाईवे पर, बाकी सब ठीक है। और दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो ये हमारा 4 दिन का टूर है, 4 दिन में ख़त्म करना है, 3 दिन में ख़त्म करना है, ये देखेंगे उधर घूम के कितना टाइम लगता है घूमने में। और ये ऐसे रोड पे आप देख रहे हो, ये ऐसे गड्ढे पड़ गए हैं, जैसे कीचड़ में हो जाते हैं ना, ऐसे रोड के अंदर धस गई है रोड अंदर काफ़ी जगह पे। तो दोस्तों, अभी हम बनारस से 70 किलोमीटर आगे आ चुके हैं सासाराम की तरफ, और सासाराम इधर से 50 किलोमीटर। तो बैठ के थोड़ा हम चाय वाय पी लिया है, और देखो ये टपरी पे रुके हैं हम इधर। तो साहब, कोई दिक्कत तो नहीं तुमको बैठने में? कोई दिक्कत नहीं आ गया हमारा, रोड में ठीक ठाक है, बीच बीच में थोड़ा ख़राब है लेकिन ठीक है। तो अनीस और शिवेंद अभी निकले नहीं है, अभी घर में ही है वो, तो वो पता नहीं कितने बजे निकलेंगे, 8 बजे निकलने का बोल रहे हैं। तो देखते हैं, हम धीरे धीरे चलते हैं, मिलते हैं फिर। ब्रेक के बाद फिर चल दिए हम सासाराम, इधर से 50 किलोमीटर, और सासाराम पहुंचने के बाद फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। और दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, छोटी छोटी राइड करना शुरू किया है मैंने, धीरे धीरे फिर बड़ी राइड भी करेंगे, आप लोगों का साथ रहेगा तो इसी तरह है हम और हमारा चैनल चलता जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे 4 दिन का छुट्टी बहुत कम मिल पाता है, आप लोगों को पता होगा, और गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई को तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है छुट्टी लेने में, तो इसलिए ज़्यादा ब्लॉग नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो कोशिश करता हूँ जब भी छुट्टी मिले ब्लॉग बनाने के लिए, कहीं राइड पे निकलने के लिए। तो भविष्य में
और बड़ी बड़ी राइड करेंगे, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। ये सारी महिलाएं कहाँ जा रही हैं ट्रक में यार? सासाराम पहुंच चुके हैं अभी और इधर से सोच रहे हैं कि एक जगह है माजर कुंड बोलते हैं उसको, तो वाटरफॉल वगैरह है। तो तब तक अनीस वगैरह नहीं आ रहे हैं, शिवेन नहीं आ रहा है, तो शायद देख लेते हैं उसको अगर रास्ते में पड़ेगा तो। कितना दूर है इधर से? 17 किलोमीटर। इसी रूट पे ना? हाँ, पहाड़ी शुरू हो गई है, तारा चंडी की पहाड़ियाँ, और इधर ही कहीं होगा। अभी तो 11 किलोमीटर दिखा रहा है इधर से। पक्का यही है? इसको पूछ। तारा चंडी कॉलोनी है ये तो, इसको पूछ ले ऑटो वाले को, गलत जहाँ उससे बढ़िया। मांझर कौन आगे जाके ठीक ना? हाँ, इस साइड में पता होगा। हाँ, कितना दूर है? क्या किलोमीटर होगा? चली जाएगी? गड्ढा तो नहीं है? ओ तेरी। अच्छा, तो ये है माजर कुंड। हाँ, सही, संजय सिंह स्मृति द्वार, रोहतास वन। टिकट है क्या? देखना, दोनों का एक का ही लगे ना? पूछ। इधर एंट्री करना पड़ता है, तो आधार कार्ड लिया इधर चेक करने के लिए। टिकट भी लगी है क्या? तो टिकट वगैरह कुछ नहीं है, केवल आधार कार्ड दिखाना है, एंट्री करवाना है, गाड़ी का नंबर वगैरह। और एक और बात बताई भैया ने कि इधर चोरी की गाड़ी पहाड़ी पे चढ़ेगी नहीं, तो ये मतलब एक नई कहानी सुनने को मिली कि अगर कोई बाइक चुरा के लेके जाएगा इधर और वो इधर आएगा घूमने के लिए तो पहाड़ी भी चढ़ती नहीं है गाड़ी। दोस्तों वो देख रहे हो, वो हाईवे है, उधर से हम थोड़ा अंदर आ गए हैं, मतलब एकदम पास पे ही है, पास में ही है। पत्थर का रोड है एकदम, तीन एक में कड़क है। ये भी एक तालाब है दोस्तों, देख रहे हो। तो दोस्तों अभी हम पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं और पीछे का व्यू देख रहे हो आप, वो हाईवे इसमें दिख रहा है कि नहीं आपको? तो और हमको जाना है, ये पहाड़ी के ऊपर जाना है, तो चलते हैं। बाबा जी आ रहे हैं कांता निकाह से। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ एक ही धुआ कुंड।
थोड़ा बैठ के स्नैक्स वगैरह खा लें, थक गए थोड़ा राइडिंग करके, और ठंडी ठंडी एकदम हवा लग रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पुरानी बिल्डिंग है, तो ये थोड़ा गंदा करके रखा हुआ है, कचरा वगैरह डाल के कहने, लेकिन बाकी एकदम पहाड़ी इलाका, नेचुरल जगह, मस्त है ना, तो बराबर एकदम मस्त, एकदम कड़क जगह है। आप देख रहे हो उधर एकदम झरना वगैरह है, लोग स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, नीचे जाएंगे अभी, थोड़ा आराम करने के बाद हम भी नीचे जाएंगे, तो देखेंगे नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे क्या नहाएंगे तो आप थोड़ा कपड़ा गीला हो जाएगा, ये तो पूरा बैग ये करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या करना है। जगह एक नंबर है, अगर आपको भी जगह पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके दोस्तों। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, एकदम मस्त नहा रहे हैं, क्या मस्त झरना है, देखिए बैठ के एकदम एंजॉय कर रहे हैं, इधर बैठे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है इधर, क्या कौन सा ये कुंड था, माजर कुंड, माजर कुंड, माजर कुंड में, तो सासाराम से 17 किलोमीटर के अंदर है ये, रात की तरफ जाएंगे तो लोग अपने एंजॉय कर रहे हैं, एकदम नहा रहे हैं, हमने भी थोड़ा बाल बाल धो लिए, चेहरा वगैरह धो लिया, पैर वैर, तो अभी हमको इधर से निकलना है, क्योंकि तो हमको जाना है गया, आपको पता ही है, गया से जाएंगे राजगीर, तो दोस्तों निकलते हैं इधर, तो इस ब्लॉग को मैं सोच रहा हूँ यहीं पर ख़त्म कर दूँ, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं बताता हूँ कैसे हम गया पहुँचे, राजगीर पहुँचे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में दोस्तों। दोस्तों देखो ये इंडिकेटर टूट गया, अब इसको प्लास्टर कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं हो पाएगा, पता नहीं कैसे टूटा ये बैग से दोस्तों देखो नुकसान हो गया ये, पता नहीं कैसे, अभी शिवेंद्र इसको फेविक्विक लाएगा, जब मैं बोलूंगा तो हाँ। तो दोस्तों अभी हम सासाराम से निकल चुके थे, थोड़ा पेट्रोल डलवाया गाड़ी का, हम भी थोड़ा मैगी खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, हमारा पेट भी हो जाएगा, फिर इसके बाद निकलेंगे, इधर से कितना दूर है, इधर से 150 किलोमीटर है राजगीर, राजगीर 150 किलोमीटर है, गुप्ता धाम तो नहीं जाएंगे, तो दोस्तों देखते हैं टाइम मिलता है, कहाँ जा रहे हो, किधर, औरंगाबाद आ गया है, अब औरंगाबाद से सीधे गया, दोस्तों रोड सही नहीं है, डाइवर्जन बहुत है, तो इसलिए बहुत लेट हो रहा है, गुप्ता कुंड आओ, गुप्ता कुंड आ जा रहा है, है? कितना किलोमीटर कंटिन्यू नहीं किया, 50 किलोमीटर चल पे, ज़्यादा हो गया होगा, हाँ 80 तू चूतिया बना सकता है लोगों को समझा, आपने रात से पहले क्यों बताया, कौन सी जगह ये, औरंगाबाद के आगे ये ना, औरंगाबाद के अभी आगे रुक गए, और गर्मी इतना था, हालत खराब हो गई है, थोड़ा मुंह धोया है, गर्मी लग रही थी किन तुमको, और पिछवाड़ा कैसा, पिछवाड़ा पे एकदम दुख रहा है शिवेंद्र का, हमारा भी दुख रहा है, तो
इधर हम ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि चाय पियेंगे, पानी वानी पी लिया, मूड हो लिया, अभी थोड़ा बादल भी हो गए हैं तो अच्छा लग रहा है। और एक अच्छा सा ये ढाबा है उधर, बीच में मेरा चश्मा और हेलमेट भी चोरी हो गया। हाँ, इसका चाय की दुकान पे चाय पिया तो उधर ही छूट गया ये। और एक और बात, ये लोगों को गुमराह करके ला रहे हैं दोस्तों। इसको अनीस को ये बोल के ले गया है, मैं गुप्ता कुंड जा रहा हूँ, हम गुप्ता कुंड जा रहे हैं, मतलब पास में ही जा रहे हैं बनारस के, और अब जा रहे हैं राजगिरी। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए। नहीं नहीं, घूमने के लिए कुछ भी करना है तभी तो आपको आगे बढ़ना। क्या आदमी है, तुम भी ब्लॉग में आ रहे हो, नाम बताओ क्या भैया? आप यहीं के हो? क्या नाम है? हाँ, ब्लॉग देखना, ब्लॉग में आओगे। ये गोपाल जी हैं औरंगाबाद के, मिल गए हमको, और अभी हमारा सब्सक्राइब भी कर दिया इन्होंने चैनल, थैंक यू। वीडियो देखना। तो दोस्तों यहाँ से हम निकल लेंगे अभी गया के लिए। गया इधर से 70 किलोमीटर, उसके बाद आएंगे राजगीर। दोस्तों देखो कांवरिए जा रहे हैं, क्या सेटिंग किया है गाड़ी में, एकदम मस्त डबल डेकर, हवा खाते हुए नाइस ना। अनीस और सिविन लगता है दूसरे रास्ते पे निकल गए, बोल लेते हैं हम 3 किलोमीटर पीछे, 3 किलोमीटर हमें तो अभी 5 मिनट हो गए, तो पता नहीं कहाँ चले गए, आगे या पीछे समझ नहीं आ रहा। फोन कर दो, ये फोन कर, दूसरा रास्ता है कौन सा है? तो इधर गया से हम आपको मैं दिखाता हूँ, गया स्टार्ट हो गया है, वो देख रहे हो व्हाइट व्हाइट बिल्डिंग कुछ तो है उधर, स्तूप नहीं है लेकिन वो कुछ नया बना है, पहले नहीं था ये। तो हम वेट कर रहे हैं अभी अनीस और सिविन का, पता नहीं घूमना हो जाए वो। सिविन तो वैसे घुमरा कर रहा है, उसको बोल के लाया कि हम 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और अभी हम आ गए 300 किलोमीटर, बहुत घुमरा कर रहा है। कितना किलोमीटर बचा? वही सेम रास्ता ना, ये गया वाला ही। अच्छा ओके, पार्ट था ही बुद्धा भूमि। अस्सी फीट बुद्ध स्तूपा की तरह आ गए हम, और बहुत ही भव्य मूर्ति है, 80 फीट ऊंचा मंदिर है, मूर्ति है मतलब भगवान बौद्ध की। देखिए गाइस, लेकिन आज गर्मी बहुत है, हालत ख़राब होगी राइडिंग करते करते, क्यों साहू? और सूर्य उधर निकालते हैं फिर अंदर जाते हैं। एक काम करना, बुद्ध पूर्णिमा तो जाती है ना, उसमें बैठा दे, आओ सुबह पहुंच जाएगा। सब लोग आ जाओ, सब लोग आ रहे हो, चिंता मत करो, साथ में चल पाऊंगा क्योंकि बाजू वाले मंदिर में, क्या नाम है वो मंदिर का? कर्मा मंदिर में, कर्मा। तो उधर भी थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे क्योंकि हमको राजगिरी भी निकलना है, तो इधर से कर्मा मंदिर में जाके कर्मा, इतना गर्म है जूते पहन लो। भगवान बौद्ध के चरणों में आके बैठ गए, थोड़ी शांति भी मिली है, पानी भी पूरी खाई, थोड़ा जानती है सुबह से कुछ खाया नहीं आपको बताइए, सुबह जल्दी निकल लिए थे, तो आपको दिखाता हूँ भगवान बौद्ध का स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम, स्टैचू देखिए, बोले ना,
यही आदमी यही आदमी है जो एक्स्ट्रा पापड़ी में टमाटर की बहुत क्या है तो उज्जैन बोल रहा है ये भाई है? ऐसी लोगों को बोल बोल के कहाँ लेके जाएगा और वो तो वो पानी पूरी वाले से एक्स्ट्रा टमाटर का डिमांड किया तुमने यहाँ एक खास बात है टमाटर मांगा मांगे तुमने ऐसे उसकी जमीन मांग रहे हो टमाटर मांग रहे आप यहाँ चले जाओ नहीं खिलाएंगे आपको इसको टमाटर दिया ही नहीं इस महंगाई में पानी पूरी में टमाटर तो थोड़ा आराम करते हैं फिर और दूसरी जगह घूमेंगे दोस्तों ये दो भैया लोग भी मिल गए थे चैनल के बारे में बता दिया है इनको भी सब्सक्राइब कर दिया और तो ये देखिए दोस्तों ये बाहर मार्केट वगैरह है ये एरिया या अंग्रेजी सोडा मिलता है बिल्कुल एकदम सारनाथ की तरह लगता है दोस्तों ये जगह एकदम बिल्कुल सारनाथ की तरह है क्यों सारनाथ की तरह इधर से है ना ये मंदिर है दोस्तों ये देख रहे हो ये सामने एक मंदिर है तो इधर भी जाके देख लेते हैं इतना दूर आए तो मंदिर है क्या है और एकदम बिल्कुल दुकान वकान देख कर सारनाथ जैसा नहीं लग रहा सारनाथ भी भगवान गौतम बुद्ध की नगरी है सारनाथ तो एडवांस है टेक्नोलॉजी में एडवांस है और अभी तो बहुत बन गया है अरे यार बैग छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे क्या बोला एक ही मंदिर है दाई जोक्यो बौद्ध मंदिर है ये दाई जोक्यो बौद्ध मंदिर है ये जैपनीज ने बनवाया ये देखो जो इस मंदिर बनवाया था उसका टांग काट दिया गया था ये रहा मंदिर अबे कारीगरों का कैसे मंदिर बोलो भगवान की नगरी में वाह वाह भैया जी चप्पलों निकाला और देखो दोस्तों इधर से कौन दिख रहा है देखिए अरे इधर से मैं ही दिख रहा हूँ चप्पल निकाल दीजिए सर इनका सामान ये मंदिर के अंदर आ गए अपन सीढ़ी चढ़ने वाला ऑप्शन नहीं रहने थी ये देखिए कितना हाँ देख रहे हो दोस्तों नाम हो रंगे क्यों मतलब इधर ये प्राचीन भाषा में लिखा गया है दो बजे वाले देखने से नमो तस्स भगवतो अरहंतो समा संबुद्धश्च तो दोस्तों ये बौद्ध गया में यही है सब देखने के लिए भगवान बुद्ध की नगरी बोलते हैं इसको उन्होंने बताया था अहिंसा परमो धर्म तो अब हमारा बहुत गया घूम के हो गया है दर्शन करके थोड़ा मन को भी शांति मिली है मुझे तो लग रहा है कि यहीं रुक जाऊं लेकिन टाइम कम है और राजगीर भी निकलना है तो भाई छुट्टी कम मिलती है ना इसमें सब कुछ देखना हाँ कितने दिन में करना पड़ता है ये देखिए गार्डन कितना अच्छा बनाया गया है तक केदारनगर का लोनी भी सरकार रुकने वाला है कल तक केदारनगर का लोनी चलते टाइम गुप्ता धाम चलेंगे हम लोग अरे हम नहीं जाएंगे हम नहीं जा रहा भी गुप्ता धाम सुनो भाई निकले फिर हाँ तो निकलते हैं बहुत सोडा वाला टेंशन ले रहा है देख को लेके एक एक सोडा पी के निकलते हैं दौड़ते हुए आगे यार चलो दोस्तों सोडा पीने के लिए बाद फिर मिलते हैं मैं आपको बाइक पर अभी हम निकल रहे हैं राजगीर के लिए दोस्तों अभी राजगीर यहाँ से 45 किलोमीटर है
और बहुत थक गए थे, खाना भी नहीं खाया। साउथ से इतना कुछ हो गया, चाउमीन बनवा रहा है साउथ, तो चाउमीन खा रहे हैं। ये बिहार का प्रसिद्ध चाउमीन है। हाँ, दिल्ली डलवाएगा। और इधर टमाटर और प्याज बंद है, क्योंकि इधर दारून बंद है ना, इसलिए टमाटर और प्याज भी बंद किया हुआ। टमाटर प्याज चखने में यूज था, इतना अच्छा दिमाग लगाया सरकार ने। वही ना, तो चाउमीन खाता हूँ कुछ दिन बाद यार लोगों को। दोस्तों थोड़ा थक गया था, राजगीर का रोड, इधर से पहाड़ी इलाका शुरू हो गया एकदम, बस इधर देख सकते हैं आप कितना अच्छा नज़ारा है। अभी हम आ गए हैं दशरथ माझी के गांव में। ये जो पहाड़ है आप देख रहे हो, जिसको तोड़ के दशरथ माझी ने रास्ता बनाया था, ये देखिए कितनी मेहनत करी थी, ये रास्ता बनाने में कितना टाइम लगा हुआ। ये देखिए अभी इधर से गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, नहीं तो बहुत घूम के जाना पड़ता था। समझ रहे हो, त्रिवेंद्र की तरह होता तो ऐसे ऊपर से चला जाता था। त्रिवेंद्र अगर तेरी जगह होता तो तू तो ऊपर से चला जाता, बोलने मैं कब पा दूँ पा। मैं तो पूरा गाड़ी खेल लेता मैं। तो दोस्तों अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, कि दशरथ मांझी ने इतना मेहनत किया था। हाँ, तो अभी कितना पहाड़ तोड़ के मतलब एक रास्ता निकाल दिया। बोलते हैं ना इंसान कुछ भी कर सकता है। रोहित यादव के नाम। दोस्तों गाड़ी ने काफ़ी साथ दिया, और देखिए गाड़ी कितनी गंदी हुई है, इतना बड़ा पहाड़ को। ये देखिए गजब है यार, और बहुत मेहनत करके हम इधर तक पहुँचे हैं। दोस्तों मैं आपको ये दशरथ माझी का गांव दिखाया हूँ, तो दोस्तों इसी बात पर एक सब्सक्राइब तो करना चाहिए आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रॉयल राइड एक्सप्लोरिंग इंडिया, जिससे मैं मुझको प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपको नई नई जानकारी दिया करूँगा। दोस्तों राजगिरी पहुँच गए, इधर मेला लगा हुआ था, बहुत ही गर्दी है, रोड पे चलने को भी नहीं हो पा रहा है, इतना भीड़ है चारों तरफ। अभी हम कुछ रहने के लिए होटल देख रहे हैं, पता नहीं मिलेगा कि जाता है कि आप जूता चप्पल ब्रह्मकुंड उसके बाद थोड़ा आपको अपडेट देता हूँ। अभी तो काफी ट्रैफिक है, इतना भीड़ है बहुत। तो दोस्तों हालत खराब हो गई, बहुत ही जाम है मेला की वजह से, पूरा राजगीर ब्लॉक हुआ पड़ा है, हमने आगे बहुत गलती कर दी मुझे अपना लग रहा है। तो ये रूम है दिख रहा, एक ये रूम लिया राजगीर में, तो अभी जस्ट फ्रेश हो लेते हैं, फिर खाना पीना खाएंगे देखेंगे क्या करते हैं, लेकिन सारा प्रोग्राम की बाढ़ लग गई है, देखते पहले फ्रेश होने फिर बताते हैं क्या करना है।